हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह सुबह का टाइम है ये, 6 बजे मैं फिर से उठ गई थी क्योंकि आज बच्चों का सेकेंड डे है और बच्चों की डिमांड पे आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए उनके फेवरेट मेयोनीज वाले सैंडविच। तो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी, आप भी इसी तरह बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनते हैं सच में, एक बार ज़रूर बना के देखना। तो सबसे पहले मैंने खीरा कद्दूकस कर लिया था, सारी ही सब्जियों को मैंने ग्रेट करा था। खीरे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है तो मैंने खीरे को ना सोख निचोड़ लिया था क्योंकि उसका जो पानी होगा ना फिर उसकी वजह से गीला गीला बनेगा। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च कद्दूकस करी थी, कॉर्न्स करे थे, पनीर करा था, गाजर भी करी थी। तो ये सब वेजिटेबल मैंने डाली थी तो वेजिटेबल सारी हो गई है चॉप। इसके बाद मैंने क्लीन कर ली है ये जगह। इसके बाद देख सकते हो आप, मैंने डाला था मेयोनीज और केचप बस। इस तरीके से आप सैंडविच बनाएंगे ना, आप देखना कितना टेस्टी बनेगा। तो चलिए, यहाँ पे मेयोनीज और केचप को मैंने मिक्स करने हैं और मैंने थोड़े से मसाले भी डाले थे। मैंने डाला था इसमें काली मिर्च का पाउडर, काला नमक और थोड़ी सी मैंने डाला था इसमें नमक सफ़ेद वाला और थोड़ी सी मिर्च डाली थी और बस 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 इतना ही डाला था, चाट मसाला भी डाला था। तो इसको आप मिक्सअप कर लीजिए सारे मैशर को, बस इसको आपको ब्रेड पे स्प्रेड कर देना है अच्छे से। और मेरे पास ये ग्रिलर सैंडविच है, अगर आप इसको अगर आपके पास ग्रिलर सैंडविच ना हो ना तो आप इसको तवे पे भी इजीली बना सकते हो। तो मेरे पास तो ये है इसीलिए, और वैसे दूसरे वाला सैंडविच भी हो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, फिलिंग आपको इस तरीके से बनानी है। तो यहाँ पे एक बार के सैंडविच बन गए थे तो दोबारा से मैंने अमूल मक्खन के साथ रखा था और अमूल मक्खन के साथ भी बहुत टेस्टी बनते हैं ये, क्योंकि मक्खन के साथ टेस्ट और भी अलग लेवल पे चला जाता है। तो ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और उनकी डिमांड पे ही मैंने बनाए हैं। फ्रूट लंच ब्रेक में मैं दूंगी आज इनको सॉरी मैंगो, और मैंगो बहुत ही ज़्यादा स्वाद था, टेस्टी था, मीठा मीठा। तो यहाँ पे ना पीयू के पापा मुझे सुबह सुबह उठ के ये दिखा रहे थे कि ये देखो हनुमान जी का जन्मदिन है, तो वो कुछ दिखा रहे थे क्लिप वगैरह, वो गए थे ना इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए चोको पाई भी रख दिया था। इसके बाद मैंने पूरा लंच रेडी कर दिया था। फ्रूट लंच ब्रेक के लिए मैंने फॉग भी रख दिया था, वाटर बॉटल भर दी थी, बच्चों को रेडी कर दिया था। मेरा रियांश बिल्कुल भी दूध नहीं पीता है, जब भी वो इतना वीक लगता है तो रियांश ने दूध नहीं पिया था, सिर्फ ओरियो का बिस्किट खाया था, पीहू ने दूध पी लिया था। इसके बाद आज हनुमान जी का जन्मदिन है तो आप सभी को बजरंग बली जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे भी दोनों ही बच्चों को मंदिर के दर्शन करा दिए थे पीहू के पापा ने स्कूल जाते हुए। तो पीहू के पापा ना क्लिप बना लेते हैं मेरे लिए कि तुम ऐड कर देना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं पीहू के पापा। यहाँ पे जियो मार्ट से मेरा कुछ सामान आया था तो वो पीहू के पापा मुझे बता रहे थे। एक्चुअली मैं लेट गई थी ना रात को क्योंकि बच्चों को जल्दी सुलाना था, तो रात को मैं जल्दी लेट गई थी। तो पीहू के पापा जब आए तो ये सब सामान लेकर आए थे। यहाँ पे बस पूरे घर की सफाई कर दी है मैंने, क्योंकि आपको पता ही है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो घर की सफाई बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत ही इजीली हो जाती है। इसके बाद मेरे को आज एक इनविटेशन है, आपको पता ही है जब बजरंग बली जी का जन्मदिन हो और इनविटेशन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आज इंस्टेंट राजमा बनाऊंगी क्योंकि मैं पहले सोच रही थी घिया बनाऊंगी, बट पीछे से बच्चे घिया तो नहीं खाएंगे मेरे। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट राजमा कैसे बनाते हो, अगर आप ने भी राजमा भिगोए नहीं है और आपको इंस्टेंट बनाने तो इसी तरीके से बनाना। सबसे पहले मैंने उड़द राजमा ले लिए थे, उड़द बहुत थोड़े लिए थे, राजमा लिए थे। और आपको ना इसको धोकर उतने ही पानी में रखना है जितने में राजमा हल्के से भीग जाए, मतलब जितने राजमा है उतना ही हल्का सा पानी, जितने राजमा भीग जाए। समझ गए ना? ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना। तो एक सीटी आपको प्रेशर कुकर की लगानी है बस, जब प्रेशर कुकर की एक सीटी लग जाएगी ना आपको सीटी निकाल देनी है और कुकर खोलकर इसमें जितना आप पानी डालते हो बॉईल करने के लिए उतना डाल दीजिए नमक डालकर। तो यहाँ पे कुकर थोड़ा सा गर्म था, मेरा हाथ भी जल गया था। यहाँ पे मैं ये रख के ना नहाने चली गई थी क्योंकि मेरा सारा काम तो हो ही गया था, तो मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं और मुझे जाना भी है आज, तो मुझे रेडी भी होना है, काफ़ी देर ना हो जाए। वैसे देर तो नहीं हुई थी क्योंकि मुझे 12 बजे जाना था। पीछे से बच्चे, फिर मैं कभी लेट हो जाऊँ तो फिर बच्चों के लिए खाना बनाना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर राजमा मेरे बॉयल हो गए थे, देखा आपने कितने इंस्टेंट अच्छे से राजमा बॉयल हो गए थे। तो यहाँ पे मैं चावल बनाने के लिए भी कढ़ाई रख दी है और एक तरफ मैं राजमा का छोक बना राजमा का तड़का बना रही हूँ। यहाँ पे जीरे वाले चावल मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं, इतने मेरा राजमा बनेगा ना चावल भी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्याज भुन गई थी, सिर्फ मैंने मस्टर्ड ऑयल में जीरा डाला था, प्याज भुन गई थी। प्याज भुनने के बाद डाल दिया था
प्रॉपर टमाटर भी भून गए थे, इसके बाद एक तरीके से ये दाल मखनी स्टाइल भी बोल सकते हो, बट मैंने उड़द बहुत कम डाले थे तो मा राजमा बोल सकते हो। तो यहाँ पे मसाले डाले थे बेसिक से, उसके बाद मैंने मलाई डाली थी। मलाई ज़रूर डालती हूँ मैं जब उड़द राजमा बनाती हूँ, दाल मखनी वाला टेस्ट आ जाता है। इसके बाद बस जो जो मसाला मेरा रेडी हो गया था तो मैंने राजमा में डाल दिया था। इसके बाद जो ये कढ़ाई में जो रह जाता है ना लगा हुआ मसाला, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी, पानी जब बॉयल हो गया था इसको भी मैंने राजमा में डाल दिया था। इसके बाद मैंने राजमा पकने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब मसाला और राजमा एकदम मिक्सअप हो जाए। और यहाँ पे धनिया भी रेडी है, धनिया मैंने डाल दिया है। तो मेरी एक फ्रेंड है और वहीं पास में रहती हैं, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट करा है, बजरंग बली जी का जन्मदिन है, तो उन्होंने, दो चार फ्रेंड है तो हम जा रहे हैं, मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी उनसे। तो मैं ना सारी किचन क्लीन करके जाऊंगी, क्योंकि पीछे से बच्चे ना फिर बहुत फैला देते हैं। तो यहाँ पे बस सारी किचन मैंने क्लीन कर दी थी और यहाँ पे मैं आ गई थी रेडी होने। बट रेडी होने से पहले ना मेरी आईब्रो काफ़ी आ रही थी, और मैं अपनी आईब्रो अपने आप घर पर ही बनाती हूँ, तो आँखें मेरी थोड़ी सूजी सूजी सी लग रही है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर मैंने आईब्रो बना ली थी, और मैं अपने आप, मुझे ऐसा लगता है मैं ठीक बना लेती हूँ आईब्रो, मुझे सब कुछ आता ही है पहले से ही। तो फिर मैं बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरी ऐसा लगता है पार्लर वाले ना पतली कर देते हैं, और मुझे पतली आईब्रो बिल्कुल भी पसंद। यहाँ पे रेडी है मेरी आईब्रो, तो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। वैसे जैसी मुझे पसंद है ना उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। आप लोग बताना आपको पतली आईब्रो अच्छी लगती है या मोटी, मतलब ठीक, नॉर्मल साइज़ की। यहाँ पे ये सूट बहुत ही सुंदर है ना, ये मेरी मम्मी ने बनाया है। आप लोग को बताना कैसा लगा आपको ये वाला सूट, और इसका कलर तो बहुत ही सुंदर है, मतलब पूरा जो सूट है ना वो हमने ही डिज़ाइन करा है, मैंने और मम्मी ने। वैसे मम्मी मेरी जब तक है ना, जब तक मेरे मौज है। यहाँ पे मैं रेडी होके निकल गई हूँ जाने के लिए। तो हम त्रिमूर्तियाँ मिल गई हैं, कभी कोई त्रिमूर्ति होती है, कभी कोई तीन तीन फ्रेंड हमेशा होते रहते हैं। तो हम जा रहे हैं सुंदरकांड के पार्ट पार्ट में। आज बोली है पूजा जी नहीं नहीं अच्छी बात है, और आप क्या बोलोगे? आप भी आ जाओ सर, हम जा रहे हैं हनुमान जी का बर्थडे मनाने। हाँ, हैप्पी बर्थडे हनुमान जी, तो उनका बर्थडे मनाने हम जा रहे हैं, और भी आ सकते हैं बच्चे, बच्चे छोड़ के इंजॉय करने जा रहे हैं हम, बच्चे अपने हम देख लेंगे अपना। नहीं खाना करवा? नहीं वो तो खाना, वो तो मेरा तो पता ही चल गया, खाना बना के आए हैं, फिर मिलेंगे आपको, दर्शन कराएंगे जितना पॉसिबल होगा उतना कराएंगे।
चप्पल खो गई है मंदिर में, प्रसाद मिल गया बहुत सारा। हाँ हमें बहुत सारा प्रसाद मिला, कुछ ज्यादा ही मिला है, और आज मेरी चप्पल खो के मेरे साथ शुभ शुभ हो गया है। तो पीयू की बुआ कह रही थी चप्पल खोना दरिद्रता दूर करना है, तो मेरी चप्पल खो चुकी है और मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुकी हूँ। जी कैसा लगा आपको बजरंगबली जी का जन्मदिन? बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे ना मैं निकल गई थी पीयू के पापा के साथ, फिर से जैसे ही मैं घर आई ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं चेंज ही करने वाली थी, तो पीयू के पापा ने बोला ये पॉलिथीन आप मेरे हाथ में देख ही रहे हैं। तो मेरा एक सूट था जो मुझे ठीक नहीं आया था, फिटिंग मतलब टाइट था, तो वो मुझे ना चेंज करने जाना था। तो यहाँ पे विजय चौक पर हमारे भैया की दुकान है जिन्होंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है मेहरून सी, तो दिल्ली दरबार के नाम से। तो यहाँ पे देखो पीयू के पापा भी, फिर हनुमान जी की जयंती आज, सॉरी हनुमान जी का जन्मदिन है ना आज, तो हलवा बनवाया था तो भैया ने बोला आ जाओ हलवा खा लो, इतने में बस बंटवाने ही लगे। फिर हमने सभी को हलवा दिया और उसके बाद सबने जय श्री राम का जयकारा लगाया और सभी को हलवा दिया। यहाँ पे मेरी प्यारी बेटी ने बनाई है बजरंगबली जी की पेंटिंग बनाई है, इतनी सुंदर अपने हाथों से, इतनी प्यारी। बच्चों को जो हम सिखाएंगे, जो बच्चे देखते हैं वही ऑब्जर्व करते हैं, तो बच्चों को पता था कि आज हनुमान जी का जन्मदिन है, तो उन्होंने मेरी प्यारी पीहू ने मतलब इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई बजरंगबली जी की। और ये पीहू के पापा मंदिर गए थे हनुमान जी के, शाहदरा छोटे बाजार का फेमस मंदिर, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर में, जो भी आए सबकी मुरादें पूरी होती है, माता रानी और हनुमान जी सभी की माता मतलब मनोकामनाएं पूरी करे। तो ये अंदर का नज़ारा था, और अब आप लाइन देखिए, मतलब जो यहाँ पे लोग छोटे बाजार आते हैं शाहदरा, तो ये लाइन मार्केट के बाहर तक थी, कम समझ लो 1 से 2 किलोमीटर की लाइन थी। ये पीयू के पापा, मैं नहीं गई थी, पीयू के पापा ही गए थे, क्योंकि मैं बजरंगबली जी का जन्मदिन कहीं और मना रही थी दूसरे मंदिर में। तो यहाँ पे आप मतलब इतना ये फेमस मंदिर है ना, प्रसिद्ध मंदिर है, कि इसकी 2-3 किलोमीटर की तो लाइन होगी सच में। तो चलिए यहाँ पर पीयू के पापा ने भी बजरंगबली जी के दर्शन कर लिए हैं, तो सभी लोग कमेंट में लिख देना जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय श्री राम। तो यहाँ पे ना ये ग्रीन वाले कड़े लाई थी अभी पीछे, मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, मार्केट गई थी, मैं भूल ही जाती हूँ, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना कुछ लाती हूँ मतलब याद ही नहीं रहता आपको दिखाना। तो ग्रीन वाले कड़े लाई थी, तो ग्रीन सूट पहना था, तो बस वो पहन लिया था। तो आज कुछ बनाया नहीं है, भंडारा वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया था, फिर राजमा चावल रखे थे भाई हमने, तो वही खा लिए। जब ऐसा कुछ होता है, क्योंकि पीयू के पापा भी कहीं चले गए थे तो उन्होंने भी राजमा चावल नहीं खाए थे, तो वही हमने खा लिए। रियान चावल नहीं खाता तो मैंने उसके लिए 2 पराठे बना दिए थे राजमा से। तो यहाँ पे बस बच्चों के ने जो बर्तन छोड़े थे ना वो मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि मैं आते ही चली गई थी, फिर आते ही मैं किचन में लग गई, बच्चों ने खाना वगैरह खाया, उसके बर्तन थोड़े से वैसे भी बर्तन हो ही जाते हैं, तो बस बर्तन वॉश कर दिए थे, किचन भी मैंने पूरी क्लीन कर दी थी। ये मेरा डेली का रहता है गैस को हमेशा साफ़ करना, क्योंकि जब तक मेन किचन में हमारी गैस होती है और स्लिप होती है, जब तक गैस और स्लिप साफ़ ना होना तो आपके किचन साफ़ नहीं लगती है। इसके बाद फिर से हम सारा काम वगैरह ख़त्म करके निकल गए थे वॉक करने के लिए, काफ़ी दिनों से जा रहे हैं, 10 से 15 दिन हो गए वॉक के लिए। अच्छा रहता है, जो रात का खाना होता है ना वो मुझे थोड़ा सा हैवी लगने लगा था, पीछे मेरे गैस भी बन गई थी पेट में, तो इसी वजह से ना पीयू के पापा ने और मैंने स्टार्ट किया है, देखो कब तक होगा, बट मैं तो यही चाहती हूँ आगे तक रहे ये वाला जो नियम है हमने बनाया है, बट देखते हैं क्या होता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आप लोग ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी जय सिया राम, हनुमान जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, मिलती हूँ कल की वीडियो।